सोनीपत में बदमाशों के हौसले बुलंद। देर रात एक हलवाई के घर में घुसकर बदमाशों ने पिस्तौल व चाकू के बल पर 4.5 लाख रुपए व गहने लूटे। तीनों आरोपियों की सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। मौके पर स्थानीय पुलिस व सीआईए टीम कर रही है जांच। सदर थाना क्षेत्र के गांव लहराड़ा में घर में घुसकर हलवाई व उसकी पत्नी को पिस्तौल व कुल्हाड़ी दिखाकर बंधक बनाने के बाद तीन बदमाशों ने करीब 4.5 लाख रुपए आभूषण व 2 मोबाइल लूट लिए। हलवाई को प्लाट बेचने के बाद रुपए मिले थे। हलवाई के बयान पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। लहराड़ा के रहने वाले रमेश ने बताया कि मंगलवार की रात को वह अपनी पत्नी के साथ घर पर सो रहा था। दूसरे कमरे में बच्चे थे। कुछ हाट सुनी तो वे 12 बजे उनकी आँख खुल गई। कमरे में जाकर देखा तो 3 युवक जो है वहाँ पर थे। एक ने पिस्तौल अपने हाथ में ले रखी थी, दूसरे ने कुल्हाड़ी और तीसरे ने डंडा ले रखा था। तीनों ने उसकी पत्नी व बच्चों को जान से मारने की धमकी देकर बंधक बनाया, उनके घर में रखे पैसे लूटे और उन्होंने यहाँ तक भी बताया कि उन्हें जेल से सूचना मिली है कि उनके घर में 17 लाख रुपये हैं, वो अलमारी से निकाल कर दें। और उन्होंने बच्चों को मारने की धमकी दी तो अलमारी में रखे 4.5 लाख रुपये, 2 मोबाइल, सोने के गहने उन्होंने दे दिए। उसके बाद वे जो है वहाँ से चले गए और इस पर पुलिस जो है मामला दर्ज कर जांच शुरू कर चुकी है।